नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में 54 नए पॉजिटिव मामले एक साथ सामने आए हैं। गुरुवार का ये पहला कोरोना अपडेट है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया, जिसके साथ राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3090 पर पहुंच गई है। बिहार की बात करें तो बिहार में बेहद तेज रफ्तार से कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपने एक विस्तृत रिपोर्ट newsfornation.com पढ़ी कि कैसे बीते 2 हफ्तों में कोरोना ने दोगुनी रफ्तार से बिहार में जो है अपने पांव पसारे हैं। यानी कि जो बीता एक हफ्ता है उसमें जहां ये आंकड़ा 1500 पर था वो बढ़कर अब 3000 पर हो गया। और उसके एक हफ्ते पहले की अगर बात करें जहां पर बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 750 के पास थी, वो बढ़कर के एक हफ्ते के बाद 1500 पर पहुंच गई। ये बिहार के लिए डराने वाली बात है। सबसे खास बात यह कि बिहार में जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उसमें से 1900 से ज़्यादा लोग वो लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे, यानी कि माइग्रेंट्स, अलग अलग ट्रेनों से, बसों से जो लोग पहुंचे हैं उनमें संक्रमण के ज़्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं अगर उसकी बात करें तो बिहार में 54 नए मामले गुरुवार को जो हैं पहले अपडेट में सामने आए हैं। अगर उन मामलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले बिहार के गया जिले से सामने आए, जहां पर 12 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। नवादा में 10, बिहार के भागलपुर में 5, औरंगाबाद में 1, पूर्णिया में 8, खगड़िया में 5, गोपालगंज में 2, सुपौल में 3, सिवान में 5 मामले सामने आए, जबकि पटना में 2 नए मामले सामने आए हैं। जो 2 नए मामले सामने आए हैं उसमें पटना की अगर बात करें तो पटना के बाढ़ में 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया। वहीं पटना के दिघा में 25 साल के युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब स्वास्थ्य विभाग इन तमाम लोगों के संक्रमण के चेन की तलाश में जुट गया। आपको बताएं कि पटना में इक्का दुक्के जो मामले हैं वो हर दिन सामने आ रहे हैं, और ये सभी मामले वो हैं या तो जो प्रवासी हैं वो, या फिर जो कहीं ना कहीं संक्रमण के चेन का हिस्सा हुआ। सबसे खास बात यह कि पटना की अगर हम बात करें तो पटना में लक्षण दिखने में अब 20 से 26 दिन तक का वक्त लग रहा है। यानी कि कंटेनमेंट के लिए जो वक्त निर्धारित है, यानी कि 14 से 21 दिन का, उसके बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर संक्रमण जो है वो नज़र आए हैं। राजा बाजार में जिस तरीके से संक्रमण का मामला हमने देखा कि वो मामला उस वक्त निकल के सामने आया जब कई दिनों के बाद जो है वहाँ पर संक्रमण से जुड़े हुए जो मामले थे वो नज़र नहीं आए थे, लेकिन अचानक से एक युवती है संक्रमित पाई गई। तो इस तरीके से संक्रमण बिहार में जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना का, और इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 3090 पर पहुंच गई है, जिसमें 54 गुरुवार के पहले अपडेट के मुताबिक नए संक्रमित मरीज हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।